हाय एवरीवन, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है DIY फेस मास्क शीट की रेसिपी। एंड बिलीव मी, इट्स अमेजिंग। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है इसकी, और बहुत ही इजी है। मींस आपके घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट को यूज़ करके आप इजीली इसको बना सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जिस फेस मास्क की मैं बात कर रही हूँ वो है कुकम्बर फेस शीट मास्क। और फेस शीट मास्क बनाने के लिए मैंने लिया है कुकम्बर, हनी, एलोवेरा। मैंने यहाँ पे पतंजलि एलोवेरा लिया है, और मैंने लिया है मिक्सिंग बॉल, और कॉम्प्रेस शीट मास्क मैंने लिए हैं, और स्पैचुला मिक्स करने के लिए, प्लस स्पून। ये मैंने मीनीशू से परचेज़ किया था, इसका लिंक मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे बना। कुकम्बर को इसके छिलके के साथ ही ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लें। जो मैंने कुकम्बर जूस लिया है इसको मैं 30 ml इस मिक्सिंग बाउल में डाल लूंगी। कुकम्बर स्किन की स्वेलिंग और पफिनेस को रिड्यूस करता है, एक्ने प्रोन स्किन को ठीक करता है, ये स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। कुकम्बर में विटामिन सी एंड कैफिक एसिड होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि स्किन से रिंकल, सन डैमेज से होने वाली स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर। हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो स्किन पोर्स से डर्ट रिमूव करके ब्लैक हेड्स को कम करती है, और ये पोर्स को हाइड्रेट और टाइटन करता है एंड क्लियर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। एलोवेरा फेस की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एक्ने और सनबर्न को भी ठीक करता है, ये स्किन को ब्राइटन और लाइटर बनाता है, और ब्लेमिशेस कम करता है, हाइपोपिगमेंटेशन और स्किन डिसकलरेशन को भी ये ठीक करता है। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। और ये कॉम्प्रेस शीट मास्क है, ये एक टैबलेट फॉर्म में आता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं इसे अपने सीरम में, जो मैंने DIY सीरम बनाया है, इसमें डाल दूंगी। ये देखिए गाइज, ये एकदम इसने सारा सीरम अपने आप में एब्जॉर्व कर लिया है, और ये एकदम से एब्जॉर्व होके ये खुलने लग गया है शीट मास्क, ये पूरा खुलने लग गया है, ये टेबलेट फॉर्म से पूरा शीट। अब मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, ये देखिए इसने सारा सॉल्यूशन, जितना भी मेरा सीरम था, इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, ये देखिए। फेस मास्क को लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और इसे बहुत ही जेंटली आप ओपन करके अपने फेस पे लगा लीजिए। जैसे मैं लगा रही हूं वैसे ही आपको लगाना है। और इसे 20 से 25 मिनट के लिए अपने फेस पे लगाए ही रखना है। बीस से 25 मिनट मुझे हो गए हैं, आई थिंक मुझे 25 मिनट्स हो गए हैं। और ये देखिए, इसका जितना भी सीरम था मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मेरी स्किन कितनी क्लियर लग रही है, कितनी ब्राइट लग रही है।
और जितना मेरा एक्स्ट्रा सीरम है उसको जस्ट डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। इसको रब नहीं करना है, जब भी आप फेस शीट मास्क यूज़ करते हैं तो आपको स्किन को रब नहीं करना होता है, हल्का सा डैब करना होता है। जस्ट लुक एट दिस गाइज, मेरी स्किन कितनी फ्रेश फील कर रही है और कितना अच्छा फील कर रही है, कितना ग्लो कर रही है। मैंने सिंपल प्लेन पानी से अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ। मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो बचा हुआ कोकम्बर सीरम है उसको आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। बचे हुए कोकम्बर जूस में कॉटन पैड या कॉटन बॉल को डाल देना है और इस कॉटन पैड या कॉटन बॉल को आप सिंपली अपने स्किन में एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो, और इस टोनर को आप अपने स्किन में स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे भी कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट फील करेगी। अगर आपको फेस वॉश करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।